Going for refuge to the three jewels means. तो हमें थोड़े से बेहतर समझ आ गई है कि शरण गमन जाने का अर्थ क्या होता है. What a refuge means. या शरण स्थान का अर्थ क्या होता है. And what a non-refuge means. और वो कौन सी चीजें होती है जो शरण नहीं होती. So maybe when you come to discuss after lunch, that might be something to think about. तो जब खाना खाने के बाद आप चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे तो इन बातों पे आपको चर्चा करनी है. You can say what you think your false refuges are. तो आप बता सकते हैं अपने गुटों में कि आपके झूठे शरण स्थान कौन से हैं. Sometimes we make a mandala of our refuges. तो कभी कभी हम अपने शरण स्थानों का एक मंडला बना लेते हैं. And you put honestly what the things are that you go for refuge to. और उस मंडल में आपको ईमानदारी से रखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी आप शरण जाते हैं. Hopefully the Buddha, Dhamma and Sangha are somewhere there. तो उम्मीद करते हैं कि उस मंडल में कहीं पे आपके मतलब बुद्ध धम्म और संघ भी होंगे. Maybe in the center, hopefully. और उम्मीद है कि वो वहाँ पर उस मंडल के केंद्र में होंगे. But sometimes they have some competition from other things. लेकिन कभी-कभी उन्हें अन्य चीजों के साथ स्पर्धा भी करनी पड़ती है केंद्र में रहने के लिए. Anyway, we're clearer, I hope, what we're doing when we're bowing down in front of the Buddha. लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जब हम बुद्ध को दंडवत कर रहे हैं तो हमारा अर्थ क्या होता है. So I've made clear the Buddha is a refuge because he has transcended all conditions. तो मैंने ये बताया कि बुद्ध हमारे शरण स्थान इसलिए है क्योंकि वो सभी परिस्थितियों और संस्कारों से मुक्त हो चुके हैं, उनके ऊपर उठ चुके हैं. His mind is not dependent on any external or internal conditions. तो किसी भी आंतरिक या बाह्य परिस्थिति के ऊपर उनका मन निर्भर नहीं है. It's difficult for us to imagine, but perhaps you can have some sense of it. तो हमारे लिए कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन हमें इसका थोड़ा बहुत एहसास होता है. You know, just not being disturbed by anything. तो जैसे कोई भी चीज जो है वो हमें विचलित नहीं करती. Not disturbed by anything because there's nothing to disturb. और हम किसी भी चीज से विचलित इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें विचलित कर पाए ऐसी कोई चीज ही नहीं होती. You can only be hurt if you're holding on to something, yeah? तो अगर आपने किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है तभी वो चीज आपको चोट पहुंचा सकती है. You just let go of everything. There's nothing to harm you. और लेकिन अगर आप हर चीज को छोड़ देते तो फिर कोई चीज ऐसी नहीं बचती जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है. So that's the main point. The Buddha is one who has become completely reliable because there's no conditions present. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध के ऊपर हम पूरा यकीन इसलिए रख सकते हैं क्योंकि ऐसी उन्हें विचलित करने वाली कोई परिस्थितियां शेष ही नहीं रह गई. But what is a Buddha? लेकिन फिर बुद्ध क्या है? What is the distinctive role of a Buddha? और बुद्ध की विशेष ऐसी भूमिका क्या है? After all, many people through the inspiration and guidance of the Buddha gained that state of beyond conditions. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुद्ध के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उस स्थिति को प्राप्त किया है जो संस्कारों से या परिस्थितियों से पूरी तरह से मुक्त है. We're going to find Shariputra, Modgalyan, Ananda and so on. Well, they were arahats. तो हमें पता है जैसे सारिपुत्र है, मोगलायन है, आनंद है और अन्य भी जो शिष्य है वो अरहंत थे. So that means they're beyond all conditions. और इसका ही अर्थ ये होता है कि वो भी परिस्थितियों से मुक्त थे. But they're not Buddhas. लेकिन वो बुद्ध नहीं है. So what does Buddha mean in Buddhism? तो फिर बौद्ध धर्म में बुद्ध का क्या अर्थ होता है? It's a rather important question, isn't it? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सवाल है. So a Buddha is one who gains enlightenment, yes. तो बुद्ध निश्चित ही वो होता है जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया होता है. But the distinctive role of a Buddha is to be one who gains enlightenment without any teachers. लेकिन उनकी विशेष ऐसी भूमिका ये होती है कि वो बिना किसी शिक्षक या बिना किसी मार्गदर्शन के बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं. We know the story of the Buddha. तो हमें बुद्ध की कहानी पता है. You remember before he got to Bodh Gaya, he studied with Udika Ramaputra and Alara Kalama. तो हमें पता है कि बोध गया पहुंचने से पहले वो उद्दक रामपुत्र और अलार कालम के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी, अपनी शिक्षा ली थी. They taught him
what seemed to have been very high meditation states. और उन्होंने बुद्ध को बहुत ही ऊंची जो ध्यान की अवस्थाएं हैं उसके विषय में सिखाया था. But he knew that those states were not permanent. लेकिन वो इस बात को जानते थे कि ये जो भी अवस्थाएं हैं ये स्थाई नहीं है हमेशा बनी रहने वाली नहीं They depended on conditions. और वो अवस्थाएं परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती हैं They depended on making an effort. और वो अवस्थाएं आपके प्रयास करने के ऊपर निर्भर करती हैं So the Buddha felt these were not enough. और इसलिए बुद्ध को ऐसे लगा कि ये पर्याप्त नहीं है अवस्थाएं He couldn't find anybody else who could teach him. और उन्हें ऐसा दूसरा कोई भी नहीं मिला कि उससे ज्यादा उन्हें कुछ सिखा पाए After his enlightenment, he sat under that Ajapala Nagroda at the foot of the big steps coming down to the main temple. तो उनके बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वो अजपल निग्रोध वृक्ष जहाँ पर है वो बरगद का पेड़ वहाँ पे बैठे थे और वो वहाँ पर है जहाँ हम सीढ़ियाँ उतर कर मंदिर की ओर नीचे जाते हैं when you come into the Mahabodhi temple, you turn right. Then you go down a long set of steps. तो जब आप महाबोधि विहार में आते हैं दाहिने आप मुड़ते हैं और बहुत सारी सीढ़ियां हैं वो नीचे उतरती हैं The bottom is a pillar. और सीढ़ियां उतरकर जब आप नीचे आते हैं मंदिर के प्रांगण में तो वहां पर एक स्तंभ है Several very important incidents took place there. और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रसंग जो है वहां पर उस स्तंभ के स्थान पर हुए हैं But one of them was that he reflected, well, who can I go for refuge to? लेकिन उन प्रसंगों में से एक महत्वपूर्ण प्रसंग ये है कि वहाँ बैठकर उन्होंने चिंतन किया कि मैं अब किसकी शरण में जा सकता हूँ words he used were, garvati and nisayati. और जो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था वो गर्भवती और निसायति थे garvati means to reverence and nisayati means to depend upon तो गर्भवती का अर्थ होता है कि किसका मैं आदर या सम्मान कर सकता हूँ और निस्सहायती यानी किसके ऊपर मैं निर्भर रह सकता हूँ और दूसरे शब्दों में कि मैं खुद किसकी शरण में जा सकता हूँ और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जिसके मैं शरण में जा सकता हूँ और इस प्रकार से किसी को मैं अपने से ऊँचा देखूँ ऐसा कोई नहीं है He wasn't being immodest, he wasn't being proud. तो वो विनम्र बन रहे थे वो कोई अहंकार नहीं जता रहे थे He really saw there was just nobody who was a better meditator than him. और वो इस बात को देख पा रहे थे कि ऐसा कोई नहीं है जो सच में उससे अच्छा ध्यान उनसे अच्छा ध्यान साधक है Nobody whose conduct was more perfect than his. और ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका नैतिक आचरण जो है उनसे ज्यादा परिपूर्ण है Nobody whose wisdom was greater than his. और ऐसा कोई नहीं है जिनकी प्रज्ञा उनकी प्रज्ञा से अधिक महान है इससे बड़ी है Let me depend upon the Dhamma as my refuge. और फिर उन्होंने स्वयं से ऐसे कहा कि मैं धम्म के ऊपर निर्भर रहूंगा मेरे शरण स्थान के रूप में Well, we won't go further into that, although that's very interesting in itself. Yeah. तो उस विषय में अधिक गहराई में हम नहीं जाएंगे भले वो विषय भी बहुत ही रोचक सा है My point here is there was nobody who he could look to as a teacher. तो मेरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिनकी और वो अपने शिक्षक के रूप में देख सकते हो found his way there by himself. और उन्होंने जो मार्ग ढूंढा था वहां तक कैसे पहुंचा जाता है ये उन्होंने खुद ही खोजा था And he said that I have seen things that have not been seen before. और उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसी चीजों को देख लिया है जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा It's difficult for us to imagine just how different the Buddha was, how his teaching was different from the teaching that was around him. तो ये कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है कि कितने अलग थे बुद्ध या उनकी शिक्षाएं मतलब उस वक्त जो इर्द गिर्द उनकी शिक्षाएं इर्द गिर्द दूसरे लोगों की शिक्षाएं उपस्थित थी उन शिक्षाओं से we know something about the religious background of the Buddha's own time. तो बुद्ध के अपने समय की जो धार्मिक पार्श्वभूमि थी उस वक्त तो उसके विषय में हमें थोड़ा बहुत पता है There's a lot of speculation and theory. तो बहुत सारी ऐसे मतलब कल्पनाएं थी या संकल्पनाएं थी चीजों के बारे में But, the Buddha's teaching is so direct, so empirical. लेकिन बुद्ध की शिक्षा जो है बहुत ही प्रत्यक्ष है और व्यवहार्य है व्यवहार में उपयोग किया जा सकता है Before the Buddha, the discussion of Maitri is completely absent from religion.
तो बुद्ध के समय से पहले धर्म में मैत्री के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं होती थी. That's absolutely stunning, isn't it? There was no talk of, और, of Maitri or Karuna. बहुत ही झटका देने वाली ये बात है कि उससे पहले मैत्री या करुणा का कोई जिक्र भी नहीं था. No talk of karma. कर्म के विषय में कोई कहीं बात नहीं थी. So the Buddha was a completely new phenomenon, yeah? तो बुद्ध जो है पूरी तरह से एक नई प्रक्रिया थे, घटना थे. That's what makes him a Buddha. और वो बात जो है उनका नयापन वो उन्हें बुद्ध बनाती है. The tradition is that the Buddha had been preparing for his enlightenment over many lifetimes. तो परंपरा ये कहती है कि बुद्ध अपनी बुद्धत्व की तैयारी जो है वो कई कई जन्मों से करते आ रहे थे. बाबा साहब talks about the career of the Bodhisattva in the Buddha and his Dhamma. तो बाबा साहब बोधिसत्व का जो जीवन काल है उसके विषय में बात करते हैं बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में. He talks about the Bodhisattva bhumis and the Bodhisattva paramitas. और बोधिसत्व भूमि और बोधिसत्व की जो पारमिताएं होती है उनके विषय में बात करते हैं. Shows the way in which a Bodhisattva lifetime by lifetime is perfecting him or herself. तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक बोधिसत्व कई कई जन्मों तक अपने आप को जो है वो परिपूर्ण बनाते रहता है. Gaining the strength to gain enlightenment in a place where there's no enlightenment. और वो इस बात के लिए अपने आप को ताकतवर बनाते रहते हैं कि वो ऐसी जगह पर बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे जहां पर बुद्ध के या बुद्ध के कोई अवशेष शेष नहीं रहे. It's not easy to be a Buddha. बुद्ध बनना इतना आसान नहीं है. If you want to be a Buddha, you've got to prepare yourself for a long time. और अगर आपको बुद्ध बनना है तो एक लंबे समय तक आपको तैयारी करनी पड़ती है. It's important for us to realize this because it increases our reverence and gratitude to the Buddha. और इस बात का एहसास होना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो जो है बुद्ध के प्रति हमारा जो आदर होता है कृतज्ञता होती है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है. It's not easy to be the first. और पहला बनना आसान नहीं होता है. Look at Baba Sahib's life, yeah? बाबा साहब के जीवन की ओर देखिए. He was the first major figure in India to go back to Buddhism. और वो पहले प्रमुख ऐसे व्यक्ति थे भारत में जो बौद्ध धर्म की ओर लौटे थे. There were others like Periyar and others, but Baba Sahib was the most significant of those figures. तो निश्चित ही पेरियार या उनके जैसे अन्य लोग भी थे लेकिन बाबा साहब जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति थे उन लोगों में. So much was against him, we know that. और उनके विरोध में कई बातें थी हम जानते हैं उसे. When Bante had one of his meetings with him, Baba Sahib said more or less the whole of India is against me. और बंते की जब बाबा साहब से मुलाकात हुई तो उनमें से एक मुलाकात में बाबा साहब ने कहा उनको लगता है कि थोड़ा बहुत शायद पूरा भारत ही मेरे खिलाफ है. Everything against him and yet he did what he knew he had to do. तो हर चीज उनके विरोध में थी फिर भी उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है. It's not easy. और ये इतना आसान नहीं होता. Shranvraksh Bante, when he went back to England, a lot of difficulty. तो बंते Shranvraksh जब वापस इंग्लैंड लौटे थे तो बहुत सारी मुश्किलें थी. Just about a month before his death, there was a meeting at Adishtana of different Buddhists from all over Europe, not connected with us, different groups. तो उनकी मृत्यु के एक महीने पहले ही अधिष्ठान में एक मीटिंग हुई थी और दुनिया भर से अलग अलग जगह से और बौद्ध लोग वहाँ पर आए थे. हमारे ही आंदोलन के थे ऐसा नहीं हर इसमें. And they were saying they met Bante and they were so impressed by him. और उन्होंने कहा कि वो बंते से मिले और वो काफी उनसे प्रभावित हुए. They were saying you were the first. You took things. You said things then that we now know are true, but we didn't know then. तो उन्होंने कहा कि आप पहले थे आपने ऐसी चीजों को इकट्ठा लाए जो हम जानते थे कि मतलब सच है लेकिन उस वक्त नहीं जानते. Must have been very satisfied to Bante. शायद ये सुनकर भंते बहुत संतुष्ट हुए होंगे. Because 50 years before they were really blaming him. क्योंकि 50 साल पहले यही लोग भंते को बहुत दोष दे रहे थे. So these are pioneers, they're the first, yeah? तो ये लोग जो होते हैं आगे चलते हैं सबसे सामने होते हैं. Both Baba Sahib and Bante had the Buddha before them. लेकिन बाबा साहब और भंते दोनों ही के सामने बुद्ध थे. For the Buddha, nobody. लेकिन बुद्ध के लिए उनके सामने तो कोई नहीं था. Totally revolutionary figure. और इसलिए वो पूरी तरह से क्रांतिकारी ऐसा व्यक्तित्व है. Baba Sahib had great strength.
Bhante had great strength. तो बाबा साहब की शक्ति बहुत महान थी. भंते की शक्ति बहुत बड़ी थी. Well, think what the Buddha must have had. लेकिन सोचिए कि फिर बुद्ध के पास कैसी शक्ति होगी. He must have spent, well, yes, a long time preparing himself for this last life when he would gain enlightenment and teach. तो निश्चित ही उन्होंने बहुत सारा लंबा समय बिताया होगा अपने इस अंतिम जीवन के लिए कि वो बुद्धत्व प्राप्त करे और फिर उसके पश्चात उसे सिखाए भी. So when we see the Buddha Shakyamuni there, this is what we're seeing him as. तो इसलिए जब हम बुद्ध शाक्यमुनि को वहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से हम उन्हें वहाँ पर देखते हैं. We're going for refuge to him as the one who first discovered the path to enlightenment in this era. तो इस तरह से हम उनके शरण में जाते हैं कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युग में जो है सबसे पहले बुद्धत्व को प्राप्त किया. There was nothing, no basis for it. तो कुछ भी नहीं था उनके बुद्धत्व प्राप्ति के लिए. कोई बुनियाद नहीं थी, आधार नहीं था. So what an extraordinary achievement. तो कितनी विलक्षण उनकी उपलब्धि थी. It's difficult enough to achieve enlightenment even with a teacher. तो गुरु के होते हुए भी बुद्धत्व को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है. But to discover it by yourself is almost beyond belief. लेकिन अपने आप ही उसे खोज निकालना ये तो अविश्वसनीय है. आप उस पे यकीन नहीं कर सकते. So when we bow to the Buddha, we're bowing to him as Buddha. तो इसलिए जब हम बुद्ध को नमन करते हैं तो एक बुद्ध के तौर पे हम उसको नमन करते हैं कि वो बुद्ध. But you'll notice beside the Buddha there are two little figures. लेकिन आप देखेंगे कि बुद्ध के आजू बाजू और दो छोटी आकृतियां हैं. This one on the right, one on the left. तो एक दाहिने हैं और एक बाएं हैं उनके. So these figures are Dipankara Buddha and the Bodhisattva Maitreya, who will be the next Buddha. तो ये दीपंकर बुद्ध की प्रतिमा है और मैत्रेय बुद्ध की है जो अगले बुद्ध होने वाले हैं. So in the Jatakas, the Buddha describes his previous existences. तो जातक कथाएं हैं उसमें बुद्ध जो है अपने पहले जन्मों के विषय में या अस्तित्व के विषय में बात करते हैं. It's not clear whether the Jatakas really are the Buddha's words or whether they're just general stories from Indian culture. तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि जातक वास्तव में बुद्ध के ही वचन हैं या भारतीय संस्कृति से ली गई वो कहानियां हैं. Stories about great beings who sacrifice themselves, essentially. तो बहुत महान ऐसे लोगों की जो कहानियां होती है जो कुछ अच्छे के लिए अपना त्याग कर देते हैं. But what's significant is the Buddha describes in the Jatakas, probably in authentic Jatakas, he describes his previous life when he set out on the path to enlightenment. लेकिन जातक में और वो जो अधिकृत जातक है उसमें बुद्ध अपने पहले जन्मों का वर्णन करते हैं जब पहली बार वो इस मार्ग पर चल पड़े थे. He was born as a young prince, Sumed. और एक युवा राजकुमार सुमेध के तौर पे उनका जन्म हुआ था. And he saw the Buddha of that time. और उन्होंने उस वक्त के जो बुद्ध थे उनको देखा था. His name was Dipankara. और उनका नाम दीपंकर था. It's not clear whether this is intended to be sort of pre-history history. तो अब ये नहीं पता कि ये पहले इतिहास के पहले इतिहास जो बताया जाता है उसके रूप में बताया गया नहीं. या किसी अस्तित्व का दूसरा ही कोई क्षेत्र है या आयाम है उसमें से आई हुई कहानी. Anyway, Sumed took the vow that in a future life he would gain enlightenment as a Buddha. लेकिन चाहे जो भी हो सुमेध ने इस प्रतिज्ञा को लिया कि अपने भविष्य के जन्म में वो बुद्ध बनेंगे. And he set out on the Bodhisattva path. और उन्होंने बोधिसत्व मार्ग पर चलना आरंभ किया. That's the story. ये कहानी है. And then in another Jataka, he has a disciple called Maitreya. और दूसरे जातक में बताया जाता है कि बुद्ध के एक शिष्य थे जिसका नाम मैत्रेय था. And Maitreya takes the vow in front of him. और मैत्रेय उनके सामने प्रतिज्ञा लेते हैं. That when the Buddha, when Shakyamuni's teaching has completely disappeared, he will gain enlightenment and reawaken the teaching. वो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब शाक्यमुनि की शिक्षाएं जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी ऐसे समय में वो बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे और लोगों को शिक्षाएं देंगे. So Maitreya is the next Buddha.
तो मैत्रेय जो है वो अगले बुद्ध हैं। When this Buddha's teaching has just completely disappeared, जब इस बुद्ध की शिक्षाएं पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी, the definition of having disappeared is there's no trace anywhere. तो लुप्त हो जाने की व्याख्या इस तरह से बताई जाती है कि उसका कोई भी अवशेष कहीं पर भी शेष नहीं रहेगा। No bodhgaya. बोधगया नहीं रहेगी। Bodhi tree gone. बोधि वृक्ष भी चला जाएगा। All the ruins have just disappeared. और सारे जो अवशेष है, खंडर है, जो कुछ भी है, सब नष्ट हो चुका होगा। Very nearly happened in India, didn't it? और लगभग हो ही गया था भारत में ऐसा। Only Baba Sahib reawakened it just in time. और समय रहते ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को यहाँ पर पुनर्जीवित किया। But still, the Buddha Dhamma was still alive in Tibet, in China, Japan. लेकिन बौद्ध धर्म फिर भी जीवित था तिब्बत में, चाइना में, जापान में। So at some point in the future, what happened in India from the late Middle Ages, from the 12th, 13th century onwards, will happen everywhere. तो 12वीं, 13वीं शताब्दी के मध्य में जो भारत में हुआ था, वही बात जो है, वो हर जगह होगी बाद में. Nobody will even know the name Buddha. और किसी को बुद्ध का नाम भी पता नहीं रहेगा. That's when Maitreya takes a birth and gains enlightenment. तो उस वक्त मैत्रेय जन्म लेंगे और बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे and reopens the path. और इस मार्ग को फिर एक बार खुला करेंगे. These are the stories. ये कहानियां हैं. It's difficult to say, you know, whether you can take them as absolutely true or not. तो पूरी तरह से उन्हें सच मानना है या नहीं मानना है, ये बताना मुश्किल है. Personally, I see them as myth. तो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें मिथक के रूप में देखता हूँ. They're not exactly historical. और वो वास्तव में ऐतिहासिक ऐसी कहानियां नहीं है, But they tell a truth. लेकिन वो एक सत्य को बयां करती हैं। You know what I mean? You will not be able to find historical remains of Dipankara Buddha. तो जैसे आप अभी अगर दीपंकर बुद्ध के अवशेष ढूंढने निकलेंगे तो आपको वो नहीं मिलेंगे। But what is this telling us? लेकिन ये बात हमें क्या बता रही है? Past and the Buddha of the future. तो भूतकाल के एक बुद्ध है और भविष्यकाल के एक बुद्ध है। So what is the communication here? तो यहाँ पर कौन सी बात हम तक पहुँच रही है? क्या संवादित हो रहा है? Saying that the potential for enlightenment, the potential for Buddhahood, is always present. तो वो हमें ये बताता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, वो हमेशा उपस्थित होती है। It's part of the nature of things. और ये चीजों के स्वभाव में ही होता है बुद्धत्व। The possibility of awakening is always there. तो जागृति प्राप्त करने की जो संभावना होती है, वो हमेशा उपस्थित होती And है। Given that time is infinite. और इसको प्राप्त करने की जो कालावधि बताई गई है, वो अमर्याद है, ये कालातीत है। It's very likely that there have been Buddhas in the past. तो और ये बात बहुत ही संभावना है इसकी कि भूतकाल में भी कोई लोग बुद्ध हुए होंगे। And it's very likely there will be Buddhas in the future. और इस बात की भी संभावना है कि भविष्य में भी बुद्ध होंगे। So when we go for refuge to the Buddha jewel, we're going for refuge not just to Shakyamuni. और इसीलिए जब हम बुद्ध रत्न की शरण में जाते हैं, तो हम केवल शाक्य मुनि की शरण में नहीं जा रहे होते। We're going for refuge to all Buddhas of the past, all Buddhas of the future. तो हम भूतकाल के सभी बुद्धों की और भविष्यकाल के होने वाले सभी बुद्धों की शरण जाते हैं। Buddha, Buddho yavajivatang saranangacchami, ye cha buddha atita cha. So there's three. All the Buddhas of the present, all the Buddhas of the past, all the Buddhas of the future. तो उस गाथा में भी कहा गया है कि भूतकाल के सभी बुद्ध, वर्तमान के सभी बुद्ध और भविष्य के भी सभी बुद्ध। We're not just saying, oh, we are going for refuge to our Buddha. तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे काल के जो बुद्ध हैं, उन्हीं की हम शरण जा रहे हैं। I'm not going for refuge to your Buddha, only my Buddha. तो तुम्हारे बुद्ध की मैं शरण में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मेरे बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। We're going for refuge to the Buddha principle, if you like. तो बुद्ध का जो तत्व है, उस तत्व की हम शरण में जा रहे हैं। And we're going for refuge to the fact that wherever there is consciousness, Buddhahood will arise. और हम इस बात की शरण में जा रहे हैं कि जब भी वहाँ पर परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ पर बुद्धत्व की निर्मिति होगी। Yes, the Taliban may shoot
the Bamiyan Buddha to pieces. तो हो सकता है कि तालिबान जो है वो बामियान के जो बुद्ध हैं उनके टुकड़े-टुकड़े करते. But the Buddha will arise again. लेकिन बुद्ध जो है वो फिर से निर्मित होंगे. Because that's the nature of things. क्योंकि वही चीजों का स्वभाव है वास्तव. The possibility of awakening is always present. तो जागृति की या बुद्धत्व की जो संभावना है वो हमेशा ही उपस्थित होती है. So that's the significance of bowing to that central lotus. तो इसलिए उस केंद्र में जो कमल पुष्प है उसको जब हम नमन करते हैं या दंडवत करते हैं तो उसका वो महत्व है. Of course, our main immediate debt is to Shakyamuni Buddha. अब निश्चित ही हमारा जो तुरंत का जो ऋण है वो शाक्यमुनि बुद्ध का. Because it's he who brought the Dhamma to us. क्योंकि उन्होंने ही हम तक धम्म को पहुंचाया. He opened the gates of the Dhamma. और धम्म के द्वार उन्होंने ही हमारे लिए खोले. Well, what he said at the time was, open are the gates of the deathless. और उन्होंने उस वक्त क्या कहा था कि मृत्युविहीनता के जो द्वार है वो अब खुल चुके हैं. So yes, we owe that immediate debt to him. और इसीलिए हम जो है तुरंत ही उनके ऋणी हैं. But at the same time, we're recognizing that Buddhahood is always possible. लेकिन उसी वक्त हम इस बात को भी स्वीकृत करते हैं कि बुद्धत्व जो है वो हमेशा ही उपस्थित रहा है. So that's the central lotus. ये जो है वो मध्य का या केंद्र का कमल पुष्प है. And when you go for refuge, when you go down with Hung Saranangachami, you bring that to mind, yeah? जब आप शरण जाते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहते तो उस बात को आपको अपने मन में लाना है. You're going for refuge to those who've gained enlightenment. आप उन लोगों की शरण में जाते हैं कि जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है. And especially those who gained enlightenment and did so on their own. और खास करके जिन्होंने स्वयं बुद्धत्व की प्राप्ति की है अपने प्रयासों से. And then who taught the Dhamma. और फिर उसके बाद जिन्होंने धम्म को सिखाया है. First of all to Shakyamuni Buddha because he did that for us. तो सबसे पहले तो हमारा नमन शाक्यमुनि बुद्ध को होता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो किया है. But then to Dipankara and Maitreya as the representatives of the ever-present possibility of enlightenment. लेकिन उसके बाद दीपंकर और मैत्रेय बुद्ध को हम दंडवत करते हैं बुद्धत्व प्राप्ति की हमेशा उपस्थित रहने वाली संभावना के रूप में. So you can see it's very significant just bowing to that particular jewel. तो आप देख सकते हैं कि उस बुद्ध रत्न को दंडवत करना वो कितना महत्वपूर्ण है. Okay, we'll do one more jewel. तो एक और रत्न की ओर हम देखेंगे. This morning. आज सवेरे. So behind the Buddha, there's the Dhamma jewel. तो बुद्ध के पीछे जो है वो धम्म रत्न है. And that's represented by piles of books. तो वहाँ पर जो किताबों का एक ढेर लगा हुआ है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है धम्म रत्न का. Here they're represented by those palm leaf manuscripts that you get in Sri Lanka and in Tibet. तो यहाँ पर वो जो ताल के पत्तों पर लिखे होते हैं सुत्त या ग्रंथ उससे वो दर्शाए गए हैं जो आपको श्रीलंका और तिब्बत में देखने को मिलते हैं. And that your ancestors would have read from. और हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने उन्हीं के ऊपर उन ग्रंथों को पढ़ा होगा. So you get two, usually two wooden balls. तो दो ऐसे लकड़ी के छालों के वो पन्ने होते हैं. And then you take off the top board. और फिर ऊपर का वो छाले वाला पत्ता आप निकालते हैं. And then there's a stack of long thin pieces of palm leaf, I think they used to be. और वो जो ऊपर का लकड़ी का मतलब वो कवर जैसा होता है मोटा सा, वो जब निकालेंगे तो उसके अंदर पतले फिर वो ताड़ के पत्ते होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है. With writing on, of course. और उसके ऊपर फिर वो लिखा हुआ होता है. So then you turn it over, read the next page, turn it over, read the next page. फिर इसको आप पलटते हैं, फिर दूसरा पन्ना पढ़ते हैं, फिर पलटते हैं. You can still see the Tibetans doing that at Bodh Gaya. We saw it just the last few days. और अभी भी तिब्बती लोगों को बोध गया में उसे पढ़ते हुए आप देख सकते हैं. हमने पिछले ही कुछ दिनों में देखा है उनको. When they're doing a puja, they have these big blocks and they're just turning over the sheets one by one. और जब उनकी वो बड़ी पूजा होती है तो ऐसे बड़े-बड़े मतलब उनके वो किताबें होती हैं उनके पास और एक के बाद एक वो उसके पन्ने पलटते रहते हैं. A lot of their practice is simply the preservation of Indian Buddhist practice in 1000 BC,
और उनका बहुत सारा अभ्यास या साधना है तो यही है कि जो भी भारतीय बौद्ध परंपराएं हैं उनका संरक्षण करना है इस The traditions, the traditions of Nalanda and so on were just taken to India. तो ये जो परंपराएं हैं नालंदा की और वो भारत से ले जाई गई थी. And as I said already, they were put in the deep freeze. और वो वहाँ से उनको एक डीप फ्रीज में डाल दिया था उन्होंने. And then now they're coming out and we're reawakening them. Yeah. अब वो डीप फ्रीज से बाहर निकल कर आ रही है और हमें वापस मिल रही है. But yes, so the Tibetan Buddhism is late Indian Buddhism. तो ये जो तिब्बती बौद्ध धर्म है वो भारत के उत्तर काल का बौद्ध धर्म है. Very, very alive. और बहुत ही जीवित है अभी भी. Anyway, you see a pile of these manuscripts. तो ये जो ग्रंथ है इनका आप एक ढेर देखते हैं. Of course, you can see books. तो निश्चित ही आप चाहें तो किताबें भी देख सकते हैं. I have myself a bookcase with as many scriptures as I can get. Translated into English. तो मेरे पास जो है एक अलमारी है और उसमें जितने भी सूत्र उपलब्ध है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद है वो वहाँ पर है. And so that's what I see my own bookshelf. तो मैं उसको देखता हूँ, मैं अपनी अलमारी को देखता हूँ किताबों की. Because that immediately comes to my mind. Yeah? क्योंकि मैं जब उसके विषय में सोचता हूँ तो वही मुझे पहले याद आती है. And in our tradition, we don't just take the Pali canon. और हमारी परंपरा में हम केवल पाली ही सूत्रों को या सुत्तपीटकों को नहीं लेते. The Buddha taught initially in a language that is usually referred to as Magadhi. और बुद्ध ने मूलतः उस भाषा में सिखाया था जिसको मगधी भाषा कहा जाता है. Which was a Prakrit, a language of North India. और वो प्राकृत भाषा है और वो उत्तर भारत की भाषा थी उस समय में. Which is related to your language, of course. और yeah. जो निश्चित ही आपकी भाषा से संबंधित है. And that was taken to Sri Lanka. और उसे श्रीलंका ले जाया गया था. But several centuries after the Buddha taught. लेकिन बुद्ध ने जब सिखाया उसके कई कई शतकों के पश्चात श्रीलंका ले जाएगा. exactly much, yeah. और इसीलिए वो भाषा जो है वो बदल गई थी और हम यकीन से नहीं बता सकते कि कितना बदल चुकी थी. क्योंकि भाषा कभी स्थिर नहीं रहती, वो बदलते रहते. Probably you use words that your parents can't understand. तो शायद आप भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे जो आपके माता पिता के समझ में नहीं आते. You probably don't want them to understand. और आप चाहते भी नहीं कि वो उन शब्दों को समझे. Language changes as time goes on. तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे भाषा बदलती है. And it changes quite quickly. और बहुत ही जल्दी वो बदलती है. When I hear young people speak in England, sometimes I wonder if they're speaking English. तो जब भी मैं इंग्लैंड में युवा लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं क्या. I can't understand what they're talking about. और वो क्या बात करें, किस विषय में, वो मैं समझ नहीं पाता हूँ. They're using English in a different way from my generation. तो वो अंग्रेजी इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेरी पीढ़ी के अंग्रेजी से बहुत ही अलग है. So by the time the Pali canon was written down, it was 5 centuries since the Buddha. और जब तक कि पाली सूत्रों को लिखा गया है तो 5 शतक बीत गए थे बुद्ध के बाद. So we can't say it's exactly the words that came out of the Buddha's mouth. तो इसलिए हम उन्हीं शब्दों को नहीं बता सकते जो बुद्ध के मुंह से बाहर आए होंगे. No recording. तो क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं थी. No neha. नेहा नहीं थी. The Buddha did not have a neha. बुद्ध के पास नेहा नहीं थी. Oh, yes, he did. Ananda. तो हाँ, नेहा थी, आनंद थी. Well, we know what your name's going to be. तो हमें पता है भी नेहा का नाम क्या रखना है. So, yes, you know, it had to be remembered, huh? तो उन शिक्षाओं को याद रखना पड़ता था. Of course, it was remembered in different places by different groups of monks and nuns. और अलग अलग जगह लोगों से याद रखने का प्रयास कर रहे थे, अलग अलग भिक्षु, अलग अलग भिक्षुनियाँ. And we know, for instance, that there are sutras and other traditions that the nuns preserved that we've lost. और हमें पता है कि बहुत सारे जगह पर ऐसे सूत्र हैं जिन्हें भिक्षुनियों ने संभाल कर रखा है और जो जिन्हें हमने खो दिया है. Because the Bhikshuni, परंपरा
died out in India. क्योंकि भारत की जो भिक्षुनी परंपरा है वो मृत हो गई थी यहाँ से नष्ट हो गई थी. It was preserved in Chinese tradition. लेकिन चीनी परंपरा में वो भिक्षुनी परंपरा को संभाल कर. So we must have lost so much. तो इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को शायद खो दिया है. And you imagine India at that time is a big country, big area. Yeah? आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त भारत जो है बहुत ही बड़ा ऐसा देश था, बहुत बड़ा वो क्षेत्र था. No telephone, no mobile. कोई फोन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था. No internet. कोई इंटरनेट नहीं था. Not even any printing press, huh? और कोई छपाई वाली प्रेस भी नहीं थी, छापखाना नहीं था, रेलगाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे. So, lot of difference in the different areas, और इसलिए अलग अलग क्षेत्र में बहुत अलग अलग चीजें थी. Things developing in quite different ways in और different अलग अलग क्षेत्रों में चीजें अलग अलग प्रकार से विकसित हो रही थी. Sometimes we even find that in our movement, in our Triratna movement here in England, yeah? कभी कभी भारत का जो त्रिरत्न आंदोलन है उसमें भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है. You find this, the Triratna Vandaran is chanted slightly different in Modinagar to in तो आपको देखने को मिलेगा कि मोदी नगर में त्रिरत्न वंदना को अलग तरह से गाते हैं, नागपुर में अलग तरह से गाते हैं. तो हम नहीं कह सकते कि ये वाली सही है, वो वाली गलत है. So no, Modigas does it the right way. तो ऐसा नहीं है कि मोदी नगर उसे सही तरीके से करता है, नागपुर से गलत तरीके से करता है. This is the way it was supposed to be done. और यही तरीका है जिस तरीके से उसे करना होता है. It just develops slightly differently. तो वो बस थोड़े से अलग प्रकार से वो विकसित होती है. So you can imagine over several centuries, different memories of the Buddha's teaching developed. Yeah. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अनेक शतकों में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसकी अलग-अलग जो यादें थी वो विकसित हुई. And the Buddha encouraged people to pass the traditions on in their own language. और लोग पर मतलब प्रोत्साहित करते थे लोगों को कि इस परंपरा को जो है वो अपनी भाषा में आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएं. कुछ समय के बाद उसे संस्कृत में लिखा गया. But not classical Sanskrit, in a language called Buddhist hybrid Sanskrit. लेकिन वो जो संस्कृत भाषा है शास्त्रीय उसमें नहीं, लेकिन एक मिश्रित ऐसी संस्कृत भाषा थी जिसे बौद्ध संस्कृत भाषा कहते हैं. So many, many different Tripitaka. तो बहुत सारे अलग-अलग त्रिपिटक बने. They had some material that was very much the same. तो उसमें कुछ सामग्री ऐसी थी जो सभी त्रिपिटकों में एक जैसी थी. But some that developed in different ways. लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो अलग-अलग तरह से वहाँ पर विकसित हुई थी. So all of that is there. तो वो सारी बातें वहाँ पर है उस कमल पुष्प पे. We're not saying this is the right Tripitaka, those are the wrong ones. तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये त्रिपिटक सही त्रिपिटक है और दूसरे त्रिपिटक गलत त्रिपिटक है. We're saying whatever is the Buddha's word, we are going for refuge to. तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी बुद्ध के वचन हैं, उनके शब्द हैं, उनके हम शरण जा रहे हैं. Okay, a little bit more. I think it's getting near lunchtime. तो थोड़ा सा और मुझे लगता है खाने का समय हो चला है. What does Tripitaka mean? त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है? पिटका मतलब क्या? पिटक मतलब क्या? हाँ? Basket. Basket. Good. Yes, it means a basket. तो टोकरी पेटी. So we're going for refuge to the three baskets. तो हम तीन जो टोकरी हैं उनकी शरण में जा रहे हैं. To one basket I go for refuge. To second basket I go for refuge. तो पहली दूसरी टोकरी की मैं शरण में जा रहा हूँ. Baskets is a word that means collection. Yeah. तो टोकरी ऐसा शब्द होता है कि जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इकट्ठा रखी जा सकती है, उसका संच होता है. For those of you who work in an office, it's a filing cabinet drawer. तो आप अगर दफ्तर में काम करते हैं तो अपनी फाइलें जिस दराज में रखते हैं तो वो दराज है. Computers, a folder. और अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसमें फोल्डर होते हैं. So it's a folder of the sutras. तो ये ऐसे फोल्डर हैं जिसमें सूत्र रखे गए हैं. So everything that the Buddha taught. तो वो सारी चीजें जो बुद्ध ने सिखाई हैं. Then it's the folder of the Vinaya. वो विनयों का एक फोल्डर है. The Vinaya, very briefly, is the rules that govern the Sangha. तो विनय थोड़े में वो क्या कहते हैं, नियम होते हैं
जिन नियमों के आधार पर संघ का कामकाज चलता है। It's indeed, it starts with a sort of history of the sangha. और एक तरह से उसकी शुरुआत जो है वो संघ के इतिहास के साथ होती है। It shows how the sangha developed. और उसमें बताया गया है कि संघ किस प्रकार से विकसित हुआ। But then it shows how well this rule was made, that rule was made. फिर उसमें वो भी बताया गया है कि ये नियम कैसे बना, वो नियम कैसे बना। It's very interesting material. बहुत ही रोचक ऐसी सामग्री है। But we need to re-express it, reinterpret it. लेकिन हमें उसे फिर एक बार अभिव्यक्त करना होगा, फिर नई तरह से उसे समझना होगा। And then there's the Abhidhamma collection. और फिर जो है अभिधम्म का संचय एकत्रित। This almost certainly is not derived from the Buddha himself directly. और इस ये बात बहुत ही निश्चित है कि ये बातें जो है अभिधम्म की वो सीधे और प्रत्यक्ष रूप से बुद्ध के पास से नहीं आई है। Later generations of disciples arranged the Buddha's teaching from a philosophical and psychological point of view. तो बाद की पीढ़ियों के जो बुद्ध के शिष्य हैं उन्होंने बुद्ध के शिक्षाओं को फिर एक बार लिखा लेकिन दार्शनिक रूप से उन्हें लिखा। So that's what when we say Tripitaka, this is what we mean, these three collections. और जब हम त्रिपिटक कहते हैं तो ये हमारा तात्पर्य होता है, ये तीन संच। But the basic point is we're going for refuge to the Buddha Vachana. लेकिन बुनियादी बात ये है कि हम बुद्ध के वचनों की शरण में जा रहे हैं। Everything that the Buddha said that helps us to go for it helps us to make progress towards enlightenment. तो हर वो बात जो बुद्ध ने कही है और जो हमें मदद करती है बुद्धत्व तक जाने के लिए। We could even say it's not merely what the Buddha said, but everything that's been said that will help us towards enlightenment. और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल वही जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन वो हर बात जो कही गई है जो हमें बुद्धत्व तक जाने के लिए मदद करती है। So that's two jewels. तो ये दो रत्न हुए। And there's plenty for you to discuss there. और इसमें से चर्चा करने के लिए अब आपके पास बहुत कुछ है। False refuges, real refuges. तो झूठे शरण स्थान, सच्चे शरण स्थान। I'm interested to hear if you dare say what your false refuges are. और मुझे सुनने में अच्छा लगेगा कि अगर आप में हिम्मत है और आप बता सकते हैं कि आपके झूठे शरण स्थान क्या हैं। Very long list probably. तो बहुत ही लंबी सी शायद से एक सूची होगी उसकी। But don't worry, there will be nothing on that list that is not old. तो चिंता मत कीजिए, उस सूची में ऐसा कुछ नहीं होगा जो बहुत ज्यादा पुराना होगा। But recognizing those false refuges helps you to identify more clearly the real refuge. लेकिन जब आप इन झूठे शरण स्थानों को पहचानते हैं तो वो आपको मदद करता है इस बात को पहचानने के लिए कि आपके सच्चे शरण स्थान कौन से हैं। Because the clearer you know that that is a false refuge, the clearer you know what a real refuge is. क्योंकि जितनी स्पष्टता से आप इस बात को समझ पाते हैं कि आपके झूठे शरण स्थान है, उतना स्पष्ट आपको होता जाता है कि ये आपके सच्चे शरण स्थान है। So you might think that all the pain that you've experienced is really bad, yeah? तो आपको होगा कि जो भी दर्द आपने महसूस किया है वो बहुत बुरा था। But it's very useful actually. लेकिन वो बहुत फायदेमंद होता है। Because it's teaching you what a true refuge is. क्योंकि वो आपको सिखाता है कि सच्चे शरण स्थान क्या होते हैं। No pain, we don't discover the real refuge. क्योंकि अगर दर्द नहीं होता है तो फिर हम सच्चे शरण स्थान को नहीं पहचान पाते। So anybody who's caused you pain, you can salute them. तो वो जो भी व्यक्ति या चीज हो जिसने आपको दर्द पहुंचाया है उसको आप I'm joking, but I'm not joking. तो मैं मजाक कर भी रहा हूँ और नहीं भी कर रहा हूँ। It's true. Those who actually cause you difficulties, they're teaching you what the true refuge is. Yeah? तो वो कोई भी हो जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है कि आपके सच्चे शरण स्थान क्या है। Without them, you'd have kept on believing in things that were not really going to help. और उनके बिना आप ऐसी ही चीजों के ऊपर मतलब विश्वास करते रहोगे जिनसे आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। It looks like some of you don't like me saying these things. तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ। But sometimes the surgeon has to use the knife. लेकिन कभी-कभी जो शस्त्रक्रिया कर रहा होता है उसको चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता है। So that, yes, you can discuss that. तो आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। The Buddha,
What does the Buddha really mean to you? तो बुद्ध आपके लिए क्या मायने रखते हैं? इसका क्या अर्थ है आपके लिए? Is the Buddha a real refuge for you? तो क्या बुद्ध आपके लिए एक सच्चे शरण स्थान है? If he's not a real refuge, what is he? और अगर वो सच्चे शरण स्थान नहीं है, तो फिर क्या है? Well, usually for many Buddhists, he's a god. तो आमतौर पे बहुत सारे बौद्ध लोगों के लिए वो एक देवता ही हैं। He's somebody who will help them to get over their difficulties in this world. और उनके लिए वो ऐसे ही एक व्यक्ति है कि जो उनकी जो मुश्किलें इस दुनिया के उसमें से बाहर निकलने के लिए मदद करेंगे। Please let me pass my exams. तो बुद्ध मुझे मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मदद कीजिए। Please give me. Oh well, you know what? Yeah. तो मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, आपको पता है क्या? That's Buddha God. तो वो बुद्ध भगवान हो गए, मतलब ईश्वर देव, बुद्ध देव हो गए। And that is not Buddha at all. और वो बिल्कुल भी बुद्ध नहीं है फिर। So, yes, to what extent is the Buddha for you, Buddha Sharana, Sharan? तो किस हद तक बुद्ध आपके लिए एक शरण है या शरण स्थान है? And to what extent is he Buddha Dev? और किस हद तक बुद्ध आपके लिए देवता हैं, देव हैं ईश्वर? And well, then the Dhamma. What is the Dhamma for you? उसके बाद धम्म आपके लिए क्या है? Maybe there's more we can talk about there. Yeah? और इसके विषय में हम और बात कर सकते हैं, हो सकता है। I just told you the basic image, but I need to explore that a bit further with you. तो एक बुनियादी चित्र मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन इसको और भी गहराई से मैं देखूंगा आपके but साथ, देखना होगा। I daren't speak for longer. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देर तक बात करने की हिम्मत नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पेट अभी किसी शरण को ढूंढ रहे हैं। तो खाने के बाद आपको चर्चा करने के लिए समय मिलेगा। But you can see we're talking about the heart of the Buddha Dhamma. लेकिन आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो केंद्रीय बातें का जो हृदय है उसकी ओर हम देख रहे हैं। And you can see why this practice of prostrations is so important. और आप देख सकते हैं कि क्यों ये दंडवत की या प्रणिपात की जो साधना है वो महत्वपूर्ण है। So after you've discussed, you can present me with any questions that you want. और जब आप अपनी चर्चा समाप्त कर लेंगे, तो अगर कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। I'll do my best to satisfy you. और आपको संतुष्ट करने का मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। But I'm not a refuge, so I can't guarantee. तो लेकिन मैं कोई शरण स्थान नहीं हूँ, इसलिए मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा। And then we can go a bit further in exploring the refuge tree. और फिर शरण वृक्ष को और भी आगे देखने के लिए हम आगे जाएंगे।